क्वेश्चन 59 थोड़ा लेंदी है, ध्यान देखें क्या है। बोला है कि द स्ट्रेट लाइन, आपके पास मतलब सिंपल सा क्या बताओ आपको, ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं, हर साइड का आपको क्या दिया, इक्वेशन दे दिया गया। आपसे पूछा है कि बताइए साइड जो ट्रायंगल का, ट्रायंगल किस टाइप का होगा, स्केलन होगा या आइसोसेलेस होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा या क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्वांटिटी ऑफ वर्टिसेस निकालोगे। तो पहले आप ए को निकालोगे, बी को निकालोगे, सी को निकालोगे। तो सॉरी, ए आपका यहाँ पे है, बी आपका यहाँ पे और सी आपका यहाँ पे। तो ए का क्वांटिटी आपके पास होगा गाइस कितना है, 4,0। ये किससे मिलके बना हुआ था, एक्स प्लस वाई माइनस फोर, एक्स प्लस 3y-4 इज इक्वल टू 0। फिर बी को निकालोगे तो किससे आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू 0, 3x+y-4 इज इक्वल टू 0। सी को निकालोगे गाइस तो 3x+y-4 इज इक्वल टू 0, x+3y-4 इज इक्वल टू 0। आप कैसे से पॉइंट निकलेंगे, ए निकालोगे, बी निकालोगे और क्या निकालोगे, सी। अब तीनों की आप साइड लेंथ निकालोगे, ए बी आपके पास आएगा 4√2, बी सी आपके पास आएगा √10 और सी आपके पास कितना आएगा, √10। तो आपको दिख रहा है दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल हो गई। तो आपका ये आंसर क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वो कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह आप कौन सा आपका सही, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ए वाला।